आज मैं बात करने वाला हूँ सेल स्क्रिप्ट के सेकंड वीडियो के बारे में, वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर हमें कैसे बनानी है तो क्या करना है, कौन से रूल्स है, वो कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। सेल्स कमांड्स की जो पूरी सीरीज थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो आप कार्ड्स में फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ आज का जो टॉपिक है वेरिएबल। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी अगर मुझे वेरिएबल इनपुट करवाना है, यूज़ करवाना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मान लो इको योर नेम, मैंने ऐसा लिखा योर नेम, ठीक है, सेमी कॉलन करके एंटर दे दिया और रीड नेम ऐसा मैंने लिख के एंटर दे दिया। यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ मेरे एक यूनिक सेल स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। यहाँ पे सेकंड डॉट एस एच में मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इस वाले फोल्डर में आ जाता हूँ, यूनिक्स सेल स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे एलएस करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फाइल मेरे पास अब अवेलेबल है। तो यहाँ पे डॉट स्लैश करके अपना जो कुछ भी प्रोग्राम नेम है वो यहाँ पे लिख के मैं अगर एंटर दूंगा तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर नेम आ गया है। अब मुझे यहाँ पे मुझे मेरा नेम टाइप करना है। अब मैं एंटर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, बट ऑब्वियस है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इनपुट कोई वैल्यू है वो कहीं डिस्प्ले नहीं करवाई है। तो डिस्प्ले करवाने से पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो ये रीड मैंने क्या लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने नेम क्या लिखा है। इको तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन कर ही दिया था कि आखिर वो क्या है। जो रीड होता है एक फिर से सेल कमांड है यूज़र इनपुट के लिए, ठीक है। हमारा जो कुछ भी टर्मिनल होता है वहाँ पे वो पॉज हो जाता है हमारा प्रोग्राम और किसी भी तरह का इनपुट के लिए वो वेट करता है टिल वी आर गिविंग एन एंटर की। जहाँ तक कोई भी हम की प्रेस कर रहे हैं वो सब वो एज ए इनपुट कंसिडर कर लेगा। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आके आपकी जो कुछ भी वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है और वो जो कुछ भी डेटा है हमारे गिवन वेरिएबल नेम में वो स्टोर हो जाएगा। अब गिवन वेरिएबल नेम क्या है, यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ आफ्टर रीड कमांड कुछ भी, ठीक है, वो हमारा वेरिएबल नेम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम एज्यूम किया है नेम, क्योंकि यहाँ पे मैं नेम इनपुट करवा रहा हूँ इसलिए। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखने के जो कुछ भी रूल्स होते हैं वो क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स अलाउडेड नहीं है। कीवर्ड्स मतलब कि जैसे कि इको और रीड, यहाँ पे यूनिक्स का जो कुछ भी कमांड होता है उसमें आता है। सब सेल स्क्रिप्ट मतलब कि यूनिक्स के जो छोटे छोटे कमांड होते हैं हम एक ही सी एक फाइल में कंबाइन लिखते हैं और उस फाइल को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो दो सभी कमांड्स उस फाइल में एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो उसे हम सेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये दो कमांड है इको और रीड, तो ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो गए। तो रीड नाम का मैं वेरिएबल कोई भी एक नहीं बना पाऊँगा। और दूसरा कि वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउडेड नहीं है बीच में कहीं भी, ठीक है। यहाँ पे फिर से मुझे योर नेम ऐसा वेरिएबल नेम बनाना है तो योर स्पेस नेम ये दो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। यूनिक्स के लिए स्पेस अलाउडेड नहीं है, सिंबल्स अलाउडेड नहीं है, फर्स्ट में आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, न्यूमेरिकल अलाउडेड नहीं है, कैपिटल में नेम लिखा है, स्मॉल में नेम लिखा है, तो दोनों चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर ठीक से अगर आपने ध्यान दिया है तो ये सब वेरिएबल नेमिंग स्कूल से वो सी के ही है, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस इसमें क्या आया है कंपेयर टू द सी लैंग्वेज, कंपेयर टू द सी लैंग्वेज जो डिफरेंस है वो है कि इन सी लैंग्वेज आपको सबसे पहले तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की रहती थी। मैं नेम इनपुट करवा रहा हूँ तो एस पर सी कैरेक्टर डेटा टाइप हुई और सी एच आर नेम ऐसा मुझे सबसे पहले तो उसे डिक्लेयर करना पड़ता था, बाद में उसे मैं यूज़ कर सकता था, बिना डिक्लेयरिंग वेरिएबल में यूज़ नहीं कर पाता था। यहाँ पे यूनिक्स ने एक ऐसी फैसिलिटी दी है कि आपको कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है, वेदर इट इज़ एन स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और अ बुलियन, ये मेजर डेटा टाइप्स है, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू आपको इनपुट करवानी है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप विद हेल्प ऑफ रीड कमांड जो इनपुट करवाना चाहते हैं वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और आप डायरेक्टली कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पीएचपी का कौन सा है, आगे जाके अगर आप पीएचपी सीखेंगे या फिर ऑलरेडी अगर आप जानते ही हैं तो आपको मालूम ये हो जाएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलो अब इसे डिस्प्ले करवाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको नेम, चलो यहाँ पे मैंने उसे इनपुट करवाया और इको की मदद से यहाँ पे मैंने उसी वेरिएबल को ये डिस्प्ले करवाया, लेकिन ये नहीं होगा। यूनिक्स और दूसरा रूल है जब वेरिएबल में आप इनपुट करवाते हैं किसी भी वैल्यू को
या फिर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं विद हेल्प ऑफ रीड कमांड और विद हेल्प ऑफ इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, तब आपको वेरिएबल के आगे डॉलर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी वैल्यू को, ठीक है, उसमें जो स्टोर की हुई वैल्यू है उसे आप जब यूज़ करना चाहते न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए या फिर डिस्प्ले करने के लिए, तो आपको सबसे आगे डॉलर साइन करने की कंपलसरी हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने किया है, अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से उसी कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर करता हूँ तो मुझे फिर से यही ऑप्शन मिला, योर नेम। यहाँ पे मैं मोहम्मद इनपुट करता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर से दोबारा मोहम्मद डिस्प्ले हुआ। ये फर्स्ट मोहम्मद है जो मैंने इनपुट करवाया वो है, और यहाँ पे जो सेकंड मोहम्मद है विद हेल्प ऑफ इको मैंने जो डिस्प्ले करवाया वो है। अब मान लो फिर से यहाँ पे मैं इको डॉलर नेम लिखता हूँ, सेमी कॉलम करके एंटर देता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैंक एंटर आया है। वहाँ पे अभी मैंने जो वेरिएबल दिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। जो रूल होता है ना कि वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है, जहाँ तक प्रोग्राम एक्जीक्यूट हो रहा है वहाँ तक वेरिएबल की लाइफ होती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसकी जो कुछ भी वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि मेरे जो कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू है आफ्टर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम भी मुझे चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का जो डेटा है, जो कुछ भी डेटा है प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी वो मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक डॉट कीजिए, स्पेस दीजिए, डॉट स्लैश करके आपका जो कुछ भी प्रोग्राम है वो आप एग्जीक्यूट कीजिए। तब ये क्या करेगा कि जितने भी वेरिएबल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये हमने जो सबसे पहले आगे सबसे आगे ये जो एक्स्ट्रा डॉट किया ना, वो सब इम्पोर्ट कर लेगा टू आवर टर्मिनल, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो सब टर्मिनल ले लेगा अपनी मेमोरी में, वो आफ्टर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम भी हम उसे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मोहम्मद एंटर किया, ठीक है, ठीक है, सेकंड टाइम भी एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे मैं इको करके डॉलर नेम लिखता हूँ, सेमी कॉलन करता हूँ, एंटर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे जो ब्लैंक एक्स्ट्रा लाइन आई थी वो यहाँ पे नहीं है। तो वेरिएबल की जो कुछ भी लाइफ थी हमने वो एक्सटेंड कर दी। आगे भी अगर हम वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करवाने के बाद यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम के बाहर, मतलब कि हमारा टर्मिनल में, तो हम इसकी मदद से कर पाएंगे। चलो आगे हम इसी वेरिएबल में प्रोग्राम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैं फिर से अपना प्रोग्राम विथ एन एंड विथआउट एन डॉट, ठीक है, एडिशनल डॉट, इम्पोर्ट वाला जो डॉट था, ठीक है, वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने योर नेम लिखा, अब यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम टाइप करता हूँ, मोहम्मद भारमल, ठीक है। तो देखिए मोहम्मद भारमल डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज दिखाना है, यू हैव एंटर्ड, ठीक है। चलो डबल कोट्स मैंने नहीं किए, देखिए प्रोग्राम किया, फिर से मोहम्मद फार्मल में टाइप करता हूँ, देखिए देखिए विथआउट डबल कोटिंग भी आप अपनी जो कुछ भी वैल्यूज है वो डिस्प्ले कर पाएंगे, साथ में मैसेज भी ये डिस्प्ले कर पाएगा। इको में डबल कोट कीजिए या ना कीजिए, ज़्यादातर ये चलता है। अब कब नहीं चलता है, कैसे चलता है, वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है वो क्लियर होते जाएंगे। जस्ट मुझे ध्यान देना था आपको, दिखाना था, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। देखिए ठीक से प्रोग्राम चल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रहा हूँ, सरनेम, एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर डॉलर साइन मुझे नहीं करनी है वेरिएबल में, जब भी वैल्यू स्टोर हो रही है तब आपको डॉलर साइन आगे नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैं भारमल लिख रहा हूँ। चलो ये वेरिएबल स्टोर हो गया। अब मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाना है, योर नेम इज डॉलर नेम इको, योर सरनेम इज डॉलर सरनेम। चलो ये प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आ जाता हूँ, डॉट स्लैश सेकंड डॉट एस एच, यहाँ पे मैं फिर से मोहम्मद टाइप करता हूँ, देखिए योर नेम इज मोहम्मद तो आ गया, योर सरनेम इज पारमल जो मैंने अभी स्टोर करवाया था, कहाँ पे, ये वाली लाइन में, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ है। यहाँ पे सरनेम वेरिएबल मैंने डिस्प्ले तो करवाया लेकिन हुआ नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़े आगे ये डॉट एक्स्ट्रा किया था फॉर इम्पोर्टिंग अ वैल्यूज टू अ टर्मिनल, ठीक उसे ही वैसे ही हमारे टर्मिनल के वेरिएबल्स को प्रोग्राम में ले जाने के लिए हमने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था। जो वेरिएबल बनाया वो कहाँ तक का बनाया, टर्मिनल का बनाया,
उसे यूज़ कहाँ पे करना है, हमारे सेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उसका भी मेरे पास एक ऑप्शन है। चलो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट स्पेस करके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरनेम। इसका मतलब क्या है कि सरनेम वेरिएबल जो कुछ भी है, आगे जितने भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सब में मुझे वो यूज़ करना है। चलो यहाँ पर मैं फिर से मोहम्मद लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर योर नेम इज़ मोहम्मद एंड योर सरनेम इज़ पारमल। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी ये कॉन्सेप्ट हो चुका है। चलो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियोस में हम और नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि वाइल कार्ड्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, इफ़ कंडीशन, फॉर लूप, बहुत सारी चीज़ें हम पूरे की पूरी यूनिक्स सेल स्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब द बेल आइकॉन अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उससे भी वीडियोज़ के आपके रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, नया कुछ आपने सीखा है, जाना है, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे लिए ये लाइक कर दीजिए वीडियो, अच्छा लगेगा मुझे, मेरा वर्क अगर कोई पसंद करता है तो। और ये नॉलेज सिर्फ अपने पास सीमित मत रखिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सअप आता है, बहुत सारे सोशल ऑप्शंस अवेलेबल है, सभी में आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, दूसरों को भी ये नॉलेज शेयर कीजिए। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।